नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। बता दें कि इस वक्त झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। जिस तरीके से कल 8वें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी द्वारा लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की गई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 50 सवाल लगभग किए गए ईडी द्वारा, और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब बाहर निकले अपने आवास से तो उन्होंने अपनी जनता को संबोधित किया और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही थी। इस पूरे विषय पर हम उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बता दें, भारतीय जनता पार्टी से शिव पूजन पाठक जी है जो कि मीडिया प्रभारी है, और साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ कमल ठाकुर जी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो शिव पूजन पाठक जी से है। बताइए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकलते के साथ उन्होंने कहा है कि अब आपकी ताबूत पर कील ठोकेंगे, क्या लगता है आपको ठोक पाएंगे आपके ताबूत पर कील? जी श्री पूजन जी, कौन किसके ताबूत पे कील ठोकेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर इतनी ही हिम्मत थी तो आज 8वें समन के बाद उनकी यही हिम्मत हुई कि ईडी को उन्होंने घर पर बुलाया। इसलिए आप ये देख सकते हैं कि कितना हिम्मत था उनको। यदि किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी और कहीं से उन पर कोई लगता नहीं है कि हमने कोई गलती की है, भ्रष्टाचार किया है, या ईडी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका वो पूछ सकती है हमसे, तो फिर डर किस बात की थी? ये 8 समन का इंतजार क्यों किया गया? 8वें समन तक उनको ही तो पहले समन में जाकर सारी बात बता देनी थी, लेकिन 8वें समन तक वो भागते रहे। ये तो ईडी की का बड़प्पन है कि ईडी ने कहा कि नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूं, अब आप, और आपने पढ़ा होगा, सारे मीडिया के लोगों ने उसके पत्र को पढ़े हैं, किस भाषा में उसने ईडी ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। यदि आप नहीं समय देते हैं तो हम आपके यहां आकर के आपसे पूछेंगे। इसका मतलब है कि सवाल गंभीर है और ईडी को उनसे पूछना जरूरी है, इसलिए ईडी ने पहल की है। तो ये तो समय बताएगा कि ईडी ने क्या पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया। शिवपूजन जी, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से कि आपकी ताबूत पर कील ठोकेंगे, उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत होगी, तो उन्हें लग रहा है कि अब जो है ये ईडी द्वारा जो सवाल जवाब का खेल है वो खत्म हो चुका है, ये जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो खत्म हो चुका है, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कहेगी? क्योंकि सवाल जवाब तो किए गए लेकिन कुछ निष्कर्ष जो है वो नहीं निकला, हालांकि दूसरी बार भी सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे ले रही है? देखिए, हम लोग कोई जजमेंट देने के लिए तो बैठे नहीं है, ना आप इस पर कुछ बोल सकती हैं और ना कोई पार्टी इस पर बोल सकती है। ये दो लोगों के बीच की बात है, जिनसे सवाल पूछा जा रहा है और जो पूछने वाला है, ये दोनों, उन्होंने क्या पूछा और इन्होंने क्या जवाब दिया, ये अभी कहीं बाहर नहीं है, किसी को पता नहीं है। अब इस पर ईडी क्या कार्रवाई करती है, उनके पास क्या तथ्य मिले हैं? लेकिन आरोप तो लगते आए हैं बीजेपी पर कि भारतीय जनता पार्टी पहले से जान जाती है कि ईडी कब कार्रवाई करेगी, कब क्या सवाल करेगी, ये आरोप तो लगातार बीजेपी पर आते हैं, ना सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे केंद्र में। देखिए, ये एक पॉलिटिकल बयान होता है और वो पॉलिटिकल बयान आखिर वो देंगे क्या, या तो जवाब दें, और जब तक नहीं देते हैं तब तक पॉलिटिकल बयान देते रहते हैं। उनको पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब माननीय शिबू सोरेन जी के ऊपर कार्रवाई हुई, उनके ऊपर भी केसेस चले, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उनकी जिस पार्टी के समर्थन से, राजद के समर्थन से सरकार चल रही है यहाँ की, और राजद के जो नेता है लालू प्रसाद जी पर जितनी भी कार्रवाई हुई वो कांग्रेस के पीरियड में हुई, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया कुछ, भारतीय जनता पार्टी उसमें ही प्रतिपक्ष के नाते सवाल उठाए थे। इसलिए कार्रवाई कानून के तहत होता है, नियम सम्मत होता है, ऐसे फैसले होते हैं जो कोर्ट के द्वारा होते हैं, कोर्ट बिना साक्ष्य का कोई फैसला नहीं करता है। इसलिए ये सारे आरोप लगाना, ये जनता जानती है कि ये आरोप केवल और केवल अपने आप को झेप मिटाने के लिए
अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बाहर में आप समर्थकों के बीच बोलिए, जनता के बीच में बोलिए, ये तो स्वाभाविक है आप यही बोलेंगे। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि आप यदि कहीं ना कहीं आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप डर रहे थे, अब आपके घर में आकर के पूछना पड़ा ईडी को। जी चलिए इसी सवाल से अब हम इस सवाल सीधे जान लेते हैं। गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस से हमारे साथ कमल ठाकुर जी है, इनसे ही सीधे अब आप ये सवाल जो आप कर रहे हैं मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर क्या वजह पड़ी कि आठवें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक जगह चुनी, वो भी अपने आवास को चुना, और ईडी को मुख्यमंत्री के आवास जाकर उनसे सवाल जवाब करने पड़े। क्यों मुख्यमंत्री पीछे भाग रहे थे और जब सामने आए तो घर में दावत दिया, निमंत्रण दिया, क्यों आखिर? ऐसा है, हमारे भाई बोल रहे थे कि हिम्मत की बात, अरे हिम्मत है तो हिम्मत है। इस राज्य को कोरोना काल में भी सुचारू रूप से चलाया, किसी को कष्ट नहीं हुआ, जब अपने काम से निपट लिए, सब काम हो रहा है ढंग से हुआ, उसके बाद ईडी को ईडी ने समन भेजा और ईडी को निमंत्रण दिया कि नहीं आप आए और मेरे घर में आके हमसे पूछताछ कीजिए। पहले तो ये पता नहीं चल रहा था कि वो गवाही के लिए बुला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री एक्सक्यूज है। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि मैं गवाह हूं कि मैं दोषी हूं, ईडी ने क्या ये स्पष्ट किया कभी कि हेमंत सोरेन गवाही में आप बुला रहे थे, बाकी जो लोग ईडी के घेरे में है उसके लिए, या हम दोषी है मुझे इसलिए बुलाया जा रहा? देखिए क्या है ना कि बीजेपी का दोहरा चरित्र है, आप सीधा समझ लीजिए। हेमंत जी के यहां ईडी भेजना बहुत जरूरी है, लेकिन अजीत पवार के यहां ईडी नहीं भेजना है, नारायण राणे के यहां ईडी नहीं भेजना है, हेमंत विश्व शर्मा के यहां नहीं ईडी भेजना है, क्योंकि ये लोग जो है, देखिए इनका नीति क्या है, पहले डराओ, अगर जो डर गया, जो टूट गया, इनके साथ हो गया तो ईडी भी गायब हो गया। लेकिन कमल जो नहीं, मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे। सवाल ये था कि आखिर मुख्यमंत्री आवास पर ईडी क्यों गई? अगर मुख्यमंत्री चाहते तो वो जा सकते थे, ईडी के यहाँ जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने अपने यहाँ पर आने के लिए विवश किया। इसी से संबंधित बाबूलाल मरांडी का भी बयान आया था, उन्होंने भी कहा है कि जो आम जनता के लिए भी ये सारे नियम लाने चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम है, आम जनता के लिए अलग नियम है, तब तो सभी आम लोगों के यहाँ ईडी चले जाए। एकदम आप सही कह रही है मैडम, एकदम जो आप कह रही है एकदम सही है कि जो नियम मुख्यमंत्री का हो, जो प्रधानमंत्री के लिए हो, वही नियम आम जनता के लिए होना चाहिए। बातों को घुमा रहे हैं कमल जी, आप सीधे सीधे जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री पर यह सवाल है। हम सीधा ही सवाल, आप पहले एक बात समझिए, जो मेरी बात है वो बोलने ही नहीं दीजिएगा, आप कहिएगा सीधा सवाल पर, जो वो बोल रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी, वो तो बीजेपी में जाने से पहले छत से कूदने वाले थे, खैर छोड़िए वो बात को। हम कहते हैं कि जो चीज है मुख्यमंत्री ने, माने उनको सम्मान सहित अपने घर पर बुलाया, क्या गलती कर दिया, क्या गलती कर दिए? हाँ आप ये कह सकती हैं, तो अगर शिबू हेमंत सोरेन के लिए नियम है कि ईडी उनसे पूछताछ करेगी, तो देश में और भी भ्रष्ट लोग हैं, उनसे क्यों नहीं पूछताछ, क्यों उनके पीछे का ईडी हटा दिया जाता, ये भी सवाल पूछ लीजिए। चलिए श्री पूजन जी से ही जान लेते हैं, कमल जी श्री पूजन जी कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं, उनसे ही जानेंगे, जवाब दे रहे हैं, बताइए। देखिए कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ये नहीं बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि सम्मान पूर्वक, तब तो कोई भी एक गांव गरीब का किसान, चाहे छोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति, उसके ऊपर कोई आरोप लगता है, उसको थाना बुलाया जाता है पूछने के लिए, तब तो उसके लिए भी, जैसा ये बोल रहे हैं, कानून बने। माननीय मुख्यमंत्री जी एक भलाई तो कम से कम कर दें इस राज्य के लिए, अगली कैबिनेट में पहला प्रस्ताव आना चाहिए कि अब किसी भी गरीब के घर में, कोई सामान्य व्यक्ति के घर में किसी से पूछताछ करनी हो तो कोई बुलाया नहीं जाएगा थाना में, उसके घर पुलिस जाएगी, उसके घर अधिकारी जाएंगे और वहीं से पूछताछ करेंगे। क्यों क्यों आदमी खर्च करके आएगा शहर में, क्यों पैसा खर्च करेगा, ये कैबिनेट में तुरंत पारित करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये संसद के कानून के विरुद्ध जाकर के कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करते हैं, ऐसे ऐसे प्रस्ताव पारित करते हैं, एक भलाई तो कर दे। और ये नहीं बता रहे हैं कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता कि कार्रवाई अभी भाजपा पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के समय में ही कार्रवाई हुई लालू जी पर, कांग्रेस के समय में ही शिबू सोरेन जी पर, गुरु जी पर कार्रवाई हुई, ये बताएं। कार्रवाई पर एक चीज बता दूं मैडम, इतने का काम किया
ये सारे चट्टे पट्टे वही हैं, इसलिए ये क्या बताएंगे कांग्रेस के लोगों को, बोलने का कोई कोई भी इन्होंने नैतिक अधिकार खो दिया है कांग्रेस झारखंड के समय संबंध में। इनको बताना चाहिए कार्रवाई किस पर हुई, क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं लालू जी के बारे में बोलते हैं, कार्रवाई किसने किया, कब सीबीआई काम कर रही थी, लालू जी को सजा कब हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कराया। आज ईडी एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, काम कर रही है ईडी। ठीक है, चलिए इस बार हम कमल ठाकुर से ही जानेंगे। उस पर कोई जवाब नहीं है इनके पास। ये कानून बनाए, पहला कैबिनेट में इनको पारित करना चाहिए, ये कानून बनाने और तोड़ने में माहिर है। इनके नेता ने कैबिनेट का फैसला जाके चौराहे पर फाड़ दिया था, ये माहिर है कांग्रेस के लोग। इनको फिर से पहल करें और बनवाए कानून, या कोई गरीब व्यक्ति, कोई आदिवासी, दलित महिला, कोई नहीं जाएगा। जी बीज, ये जेएमएम कह रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी न केवल झारखंड में बल्कि विभिन्न राज्यों में जो है तमाम मुख्यमंत्री जिनकी सरकार नहीं है वहां इन्हीं तरह के एजेंडे अपना रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब है, बीजेपी कैसे देखती है इसे? भारतीय जनता पार्टी जहां भी पक्ष में है वो एक सशक्त विपक्ष का काम करती है और जन मुद्दों को उठाती है, और सजा देने का काम एक कोर्ट के माध्यम से होता है। ऐसे ही आएंगे हमारे, कोर्ट चेहरा देकर के सजा नहीं देती है, वहां सत्ता पक्ष का भी वकील रहते हैं और विपक्ष के भी वकील रहते हैं, जो व्यक्ति मुकदमा दायर करता है उसके भी वकील होते हैं, बहस होती है। आपकी बातों को सुनेंगे हम, पहले कमल ठाकुर लगातार हाथ उठाकर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे जानेंगे। कहिए कमल जी, क्या जवाब है आपके पास? मैडम एक चीज समझ लीजिए आप, प्रधानमंत्री स्टेज से बोलते हैं कि अजीत पवार ने 70,000 आएंगे, पहले कमल ठाकुर की बातें सुन ले हम। अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, एक सप्ताह में वो अजीत पवार प्रधानमंत्री के पार्टी से उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। व्यापम घोटाला में शिवराज सिंह चौहान, उनके पीछे ईडी कब गया? हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ में बीजेपी ने बुकलेट जारी किया कि भारत का सबसे भ्रष्ट आदमी है, आज हेमंत बिश्व शर्मा उनके मुख्यमंत्री हैं। आप एक बात और समझ लीजिए, ये लोग जो तरीका ही लोगों का है ना, ये लोग दोहरा चरित्र के लोग हैं। तीन हजार किलो गुजरात के पोर्ट, अडानी के पोर्ट से हीरोइन बरामद होता है, एक दिन सवाल नहीं होता है, एक दिन ईडी उनके पीछे नहीं जाएगी। लेकिन सभी जवाब जब आप लोगों के पास सवाल नहीं रहते हैं तो सारे सवाल अंबानी और अडानी पर उठकर चले जाते हैं। सवाल आपकी सरकार की जा रही है और आपके जो जवाब है वो अंबानी और अडानी पर ही घूम पर कराते हैं। देखिए आपको भी संयम से सुनना होगा मेरी बात को, हम कब से अडानी और अंबानी गलती करेंगे तो मैं उनका नाम नहीं लूं क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दोस्त। चलिए शिव पूजन जी कुछ कह रहे हैं, शिव पूजन जी की सुनते हैं। यहाँ बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं रोज, आप मेरी बात बेरोजगारी के नाम पर ये वोट लेकर के आए, 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी देंगे, कोई भी नौकरी नहीं दे पाए। देखिए कौन आदमी बेरोजगारी पर बात कर रहा है मैडम, देख लीजिए 2 करोड़ बेरोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ने अनाउंस 2014 में किया, 10 साल बीत गया, 20 करोड़ आदमी को होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 100 दिन में कहा कि काला धन आ जाएगा, आ गया। प्रधानमंत्री ने कहा नोटबंदी किया, 50 दिन में कोई अगर मेरे में त्रुटि निकल जाए जिस चौक पर होगा आप फांसी लगा दीजिएगा। प्रधानमंत्री को फांसी लगा सकते हैं क्या? ये लोग झूठे लोग हैं, ये लोग को बरगलाते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप जवाब दीजिए, 5 लाख नौकरी का क्या हुआ? नई नौकरी दिए तो बेरोजगारी भत्ता तो दे सकते थे ना, क्यों नहीं दिए बेरोजगारी भत्ता? कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता आपने दिया? चूल्हा खर्चा कितने लोगों को दिया आपने? महिलाओं के लिए जो चल रही थी योजना उसको आपने बंद कर दिया। बताइए कमल ठाकुर जी, शिवपूजन जी रुकिए, आपको जनता इसी के लिए चुन के दी थी, हमको तो हटा दी, आपको दे दी, आप बताइए क्या किया आपने? वो कह रहे हैं कि अंबानी अडानी के साथ आप लोग मिले हुए, हर बातों को जो है अंबानी अडानी से जोड़ा जाता है बीजेपी की, आखिर क्या वजह है कि लगातार केंद्र सरकार पर ये आरोप लगते रहते हैं? केंद्र सरकार कुछ भी दिख रहा है यहाँ काम, वो केंद्र सरकार के कारण दिख रहा है,
आप चले जाइए प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों का बन रहा है, इनका कहां गया अगुआ आवास, चौथा साल में इनको अगुआ आवास याद आ रहा है, शौचालय बन रहा है, प्रधानमंत्री गैस सिलेंडर मिलता है, ये सारी योजनाएं केंद्र की है। आयुष्मान योजना को इन्होंने पेंडिंग करके रखा, कितने लोगों को चावल का वितरण नहीं हो रहा है, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में, उसका लूट करवा दे रहे हैं, खान खनिज नहीं लूट रहे हैं उसको लूट ले रहे हैं, किसने कहा था अपने नाम पर माइंस लेने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था इनको। चलिए श्री पूजन जी ये तो ठीक है, लेकिन हम वापस से जनता पूरी तरह समझ रही है, हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आएंगे। 2014 में रघुवर दास ने उन पर लैंड स्कैम मामले पर आरोप लगाया था और तब से लेकर अभी 2024 आ चुकी है, अभी तक में इतना समय लग रहा है, क्या कहेंगे आप? 2014 की बात है और 2024 आ चुकी है, फिर भी मुख्यमंत्री से पूछताछ किए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई थी आपके आरोप में, सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। जी श्री पूजन जी जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा उनको उजागर करना चाहिए, क्या आरोप है, सरकार उनकी है, फाइलें उनके पास है, कौन रोका है उनको कार्रवाई करने के लिए, आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। और अब चूंकि वो माननीय राज्यपाल हैं, महामहिम राज्यपाल हैं वो, इसलिए उस पर बहुत सा हम इस प्रकार की चर्चा नहीं कर सकते हैं इस ढंग की बात, लेकिन अगर उनको कहीं लगता है कि उनके कार्यकाल में तो 4 साल से तो वही फाइल संभाल रहे हैं, क्यों नहीं उनको, हम लोग तो डंके के चोट पर बोलते हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डंके के चोट पर बोलते हैं, उनको तो भी बोलना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, उनके पास भी जांच एजेंसी को भेजना चाहिए, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए अगर उनको लगता है तो, लेकिन कुछ मिले तब तो, मिलता तो है नहीं कुछ, वो जनता को बताना चाहते हैं कि ये भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। बताएं, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, जीरो टॉलरेंस पर चलती है, इसलिए हमारे ऊपर ये लगा नहीं सकते हैं, केवल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए बोलते हैं, इनके पास जवाब नहीं है, एक जिले में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई जवाब नहीं है इनके पास। लेकिन कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि एकजुटता दिखाई गई, और इसमें एक बड़ा सवाल भी उठता है, हमने जैसा कि देखा तमाम कार्यकर्ता जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विभिन्न जिलों से राजधानी रांची पहुंचे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आवास के पास पहुंचे हजारों की संख्या में, लेकिन श्री पूजन जी जब हम देखते हैं कि जो छात्र है या जो युवा है वो अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के विरुद्ध में मांग करते हैं या आंदोलन करते हैं या ऐसे भी एकजुट होते हैं, तो इसी सरकार के द्वारा उन तमाम युवाओं को छात्रों को उनके ही जिले पर रोक दिया जाता है, राजधानी रांची में पहुंचने भी नहीं दिया जाता है, ये किस तरह की नीति है? यही तो बार बार हम लोग बोलते हैं कि इस सरकार को कुछ नहीं करना है, इन्होंने किसानों को धोखा दिया, इन्होंने युवाओं को धोखा दिया, इन्होंने महिलाओं का सम्मान बेचा, सब कुछ माने चारों तरफ से राज्य को बर्बाद किया इन्होंने, बहुत उम्मीद के साथ जनता इनको चुन के भेजी थी। ये आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अन्याय आदिवासियों के साथ हो रहा है, दलितों के जमीन लूट लिए गए, वर्षों से बसे हुए मुसहर समाज के लोग को उजाड़ दिया गया, ये कैसा न्याय करते हैं, कहीं से न्याय नहीं दिखता है, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आप देख रहे हैं आज तक पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ, कहां गया ट्रिपल टेस्ट, क्यों नहीं पंचायत चुनाव में इन्होंने आरक्षण दिया, आज नगर निकाय चुनाव रुके हुए हैं केवल आरक्षण नहीं मिलने के कारण, ये क्या है, कहीं से कोई न्याय दिया हो इन्होंने, किसी को न्याय दिया हो, न महिलाओं को न्याय दिया, न पिछड़ों को न्याय दिया, न दलितों को न्याय दिया, न युवाओं को न्याय दिया, किसके लिए सरकार, न्याय किसको मिला, आप देख लीजिए किनका खजाना भर रहा है, बिचौलिए दलाल ये सारे लोग का खजाना भर रहा है, पकड़े जा रहे हैं लोग, मुकदमे दर्ज हुए, जेल में है, आगे भी जाएंगे जेल में, एक इंजीनियर के यहां से लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, आपने देखा किसके समय में हुआ। श्री पूजन जी एक और सवाल जो है वो उठ रहे हैं लगातार बीजेपी पर, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा कि 2014 में जो है रघुवर दास ने आरोप लगाया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, लेकिन उसके बाद आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी तमाम वो छोटे बड़े अधिकारियों पर आरोप लगे, कार्रवाई भी की गई, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगाए गए हैं कहीं ना कहीं जो है कुछ तो इसमें त्रुटि है जो आप लोगों के द्वारा छूट जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप तो लगाया गया लेकिन वो हर बार छूट जा रहे, इसका मतलब है कि उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सवाल लगातार भाजपा पर उठाए जाते हैं।
देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर्ट नहीं है, हम न्यायालय नहीं है, हम एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, राजनीतिक दल के नाते जब हम विपक्ष में हैं तो जनता के सवालों को उठाना ये धर्म है हमारा। पक्ष विपक्ष दोनों लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो विपक्ष के नाते हम जो बात उठाते हैं वो उन चीजों को साक्ष्यों के साथ मुकदमे दर्ज होते हैं, उस पर कोर्ट में जाता है, उस पर बहस होती है और उस पर फैसले आते हैं। इसलिए हम सवाल उठाते हैं, हम साक्षियों के साथ उठाते हैं, जितने सवाल हमने उठाए उस पर कहीं अब उसकी न्यायिक प्रक्रिया है। कमल ठाकुर से अब हम पूछेंगे, उनसे जानेंगे। कमल ठाकुर, श्री पूजन जी हम आएंगे आपके पास, कमल ठाकुर जी से पहले बात करेंगे। कमल ठाकुर जी, लगातार बीजेपी, जो मैंने सवाल किया था अभी वो भी आपसे भी करूंगी, भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास के द्वारा 2014 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगाए थे, अब 2024 आ चुके हैं, आवाज नहीं आ रही है कमल ठाकुर को, कोई तकनीकी प्रॉब्लम है? कमल ठाकुर जी आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? कमल ठाकुर आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? कमल ठाकुर जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, कोई तकनीकी खराबी के कारण कमल ठाकुर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपकी ऑडियो म्यूट होगी, आप एक बार अपने फोन से जो है म्यूट को ऑफ करिए कमल ठाकुर जी, आपकी फोन म्यूट होगी कमल ठाकुर जी। कमल ठाकुर जी अब आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, आपसे सवाल है, बहुत देर से आप तकनीकी खराबी के कारण आप नहीं जुड़ पा रहे थे, अब आपसे बात करेंगे हम कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर भी आपकी गठबंधन की सरकार आरोप लगाती है कि 2014 में रघुवर दास ने आरोप लगाया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, उन्होंने जो है जमीन घोटाला मामले पर किया था, अब 2024 हो गए, जितने लोगों पर आरोप लगे उन पर कार्रवाई भी हुई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नहीं हो रही है, क्या ये झूठी आरोप है या फिर इसमें क्या कुछ, कैसे देखती है गठबंधन सरकार इसे? इन पर रघुवर दास पर आरोप लाया, उस पर क्या हुआ, वहां ईडी क्यों नहीं जाती? मैडम देखिए, सीधा बात है, ये लोग चाहते हैं कि पहले परेशान करें, परेशान होके वो आदमी अगर टूट गया तो इनके साथ चला गया, तब तो वो एकदम वॉशिंग मशीन से साफ उफ होके, फिर गंगा जल से धोआ हुआ के वो साफ आदमी हो गया। जो लोग नहीं टूटे उनको परेशान किए रखो। मेरा मांग केवल इतना ही है कि अगर हेमंत सोरेन गलत हैं तो निश्चित सजा होना चाहिए उनको, निश्चित सजा होना चाहिए। क्या अजीत पवार पर सजा होगा? क्या शिवराज सिंह को सजा मिलेगी? क्या नारायण राणे को सजा मिलेगी? क्या हेमंत बिश्व शर्मा को सजा मिलेगी? ये भी बात बीजेपी के प्रवक्ता से पता कर लीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हेमंत सोरेन में गलती होगी, अगर गलत किए होंगे तो सरकार है, पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, सब तो लगा हुआ, ले जाइए जेल। लेकिन आप करते क्या है कि आप किसी के पीछे आदमी लगाते हैं, उसके चेहरा को काला कर देते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि उस पर कोई सजा भी था, वो आपके साथ चला जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। आप और भी समझ लीजिए, ईडी जो केस होता है ना मैडम, लोग क्यों भागते हैं, इस पर एफआईआर तो होता नहीं है, एक्सक्यूज को खुद से बताना पड़ता है कि हम स्वच्छ आदमी है, मैंने कोई चोरी नहीं किया, ईडी साबित नहीं कर पाती है। आप ईडी का हालात जान लीजिए, 2014-15 से आज तक कम से कम 30,000 से 40,000 ईडी का समन गया, बहुत से बहुत छापा पड़ा होगा तो 1500 छापा पड़ा होगा, और बहुत लोग अगर उसमें एक्सक्यूज हुए होंगे तो 300 से 400। चलिए, आप जो सवाल मीडिया कर रहे हैं मेरे माध्यम से, आप वो सुन रहे हैं, श्री पूजन जी मुस्कुरा भी रहे, कुछ कहना भी चाह रहे हैं, उनसे ही जानेंगे। श्री पूजन जी, जब ईडी की कार्रवाई इतनी हल्की है, जब कुछ होता ही नहीं है, तब इतना ये आत्मसमन क्यों इंतजार करना पड़ा?
कभी भी माननीय प्रवक्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह दिए होते, अरे इनको कुछ नहीं होना है महोदय, ये आप जाइए, दो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि ईडी जाइए ना, एक दिन में बीजेपी की हवा निराल दीजिए, जाकर के जाइए सब कुछ कर दीजिए, कुछ करने लायक है ईडी, कुछ नहीं करती है। और जहां तक वो बोल रहे हैं भाई साहब, किसने रख दिया वहां जाके, क्या कह रहे हैं शिव पूजन जी, सुन लीजिए कमल जी, अल्मीरा में उतना पैसा किसने रख दिया, बीजेपी के लोगों ने रख दिया, उतना करोड़ों करोड़ रुपए जो नकदी पकड़ाए वो बीजेपी के लोगों ने रख दिया, वो भी अडानी अंबानी का पैसा है सब। अरे कमल जी क्या कहेंगे, जांच का विषय है सर, भैया चाहिए उनके ऊपर है तो जांच का विषय है, सब जांच का विषय है, ये भी जांच का विषय है, झारखंड की जांच का विषय है, जांच होने के लिए फिर क्यों बोलते हैं कि आरोप लगा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। अरे केंद्र ने इतना पैसा दिया कि आप काम नहीं कर, आप करते नहीं है काम, अनाज तक लुटवा देते हैं, गरीबों के निवाला को लुटवाते हैं आप, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो गए। अरे झारखंड का जवाब दीजिए ना, झारखंड का जवाब दीजिए, झारखंड का पहले जवाब दे लीजिए, उसके बाद दुनिया की बात कीजिए, आपको यहाँ भी सत्ता मिली है, झारखंड की बात कीजिए, भारत का बात होगा, अगर हेमंत की बात होगी तो शरद पवार अजीत पवार का ही बात होगा, अगर हेमंत का बात होगा तो नारायण राणे का भी बात होगा। चलिए ठीक है शिव पूजन पाठक जी, कमल ठाकुर जी, फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, फिलहाल वक्त हो चुका है हमारा, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे क्योंकि अगली कड़ी में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कमल ठाकुर जी, शिव पूजन जी, इस पूरे चर्चा को आगे हम जारी रखेंगे। और आप भी देख सकते हैं कि ये जो पूरी राजनीतिक सरगर्मी है, माहौल जो है वो आपको तेज होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए भी पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। और फिलहाल जो है सभी की नजर ईडी पर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुद्दे पर है कि अगला जो कदम है वो क्या उठाया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सीधे निकलते हुए चुनौती दी और कहा है कि उनके ताबूत पर जो है कील ठोकेंगे, देखना होगा कि आगामी चुनाव में किसके ताबूत पर कील ठोकी जाती है और कौन निकलकर सामने आता है। तब तक के लिए फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकते हैं और ऐसे ही तमाम चर्चाओं के लिए जुड़े रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।